आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर देखिए। कहते हैं ना कि आपके घर में मतलब कितनी समस्याएं क्यों ना हो, कितना ही मतभेद या मनभेद क्यों ना हो, आपकी परिवार वालों से बने या ना बने, परिवार में प्रॉब्लम्स हो, उनसे सहमति हो ना हो, आप कभी भी ना अपने घर की समस्या का रोना पड़ोसी के घर में जाकर नहीं रोते हैं। आपको आज ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी पर फिर उसी तरह के आरोप लगे हैं जो हर बार लगते हैं जब वो विदेशी धरती पर भारत की कमियां गिनाकर आते हैं। भारत में ये हाल है, भारत में वो हाल है, भारत में नफरत है। इससे पहले वो अमेरिका को भारत के लोकतंत्र में दखल देने का न्योता देकर आ गए थे, डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, याद है आपको। लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है ना, उस पर भी बड़ा विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने इसे विदेशी धरती पर भारत का अपमान बता दिया और कुछ लोग तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो इसे देशद्रोह बता रहे हैं। India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और साइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। यू से टू द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश दैट लुक तेलुगु इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज हिंदी, यू आर इंसल्टिंग द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड दिस इज द सिंपल बैटल दैट इज बीइंग फॉट इन इंडिया। अपने ही देश की बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं है। राहुल गांधी सेड इन हिज लेक्चर वाज एब्सोल्युटली राइट। आरएसएस बिलीव्स दैट इंडिया इज वन आइडिया, वी बिलीव दैट इंडिया इज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडिया। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है। राहुल गांधी वहां एक कुछ भाषण देने गए हैं, अपने विचार रखने गए हैं। राहुल गांधी एजेंडा इज टू रियली एड्रेस सम ऑफ दीज लार्जर इश्यूज। ही हैज ए विजन कॉन्ट्ररी टू व्हाट बीजेपी प्रमोट्स बाय स्पेंडिंग करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज। आई मस्ट टेल यू ही इज नो पप्पू। देखिए दरअसल राहुल गांधी क्या है, 3 दिनों के ना अमेरिकी दौरे पर हैं, आप सभी जानते हैं, जहां वो रविवार को टेक्सास पहुंचे। वहां उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। विवाद की शुरुआत आपको बता रहा हूं, पहले उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय से बात की, फिर सोमवार यानी कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से संवाद किया। हर कोई भारतीय जब भी विदेशी धरती पर होता ना, तो वो भारत का ब्रांड एम्बेसडर होता है, भारत का एम्बेसडर की तरह भारत की बात सुनाता हूं। लेकिन राहुल गांधी पर क्या आरोप लगते हैं? राहुल गांधी पर आरोप है कि जब भी वो ऐसी यात्रा पर जाते हैं ना, भारत मतलब विदेशी धरती पर, तो वहां भारत की कमियां गिनाकर आ जाते हैं और चीन के कसीदे पढ़कर चले आते हैं। यहां भी इस बार भी उन पर सेम आरोप लग रहे हैं, बीजेपी ने लगा दिया। पहले आप राहुल गांधी के 2 बयान सुनिए जिसमें उन्हें भारत में तो नफरत नजर आती है कि स्टेट्स है ना, मतलब राज्यों का संघ है भारत, और राज्यों के बीच जो है ना बहुत नफरत है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। भारत में ये सब हो रहा है, चीन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है राहुल के 2 बयान, पहले आपको वो सुनाते हैं। So if you say to the people of Andhra Pradesh that look, Telugu is not as important as Hindi, you're insulting the people of Andhra Pradesh. Because you're saying to them that your history is not important, your tradition is not important, your food is not important, your music is not important, your forefathers are not important. And this is the simple battle that is being fought in India. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay, the West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem.
So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. मतलब सोचिए जब राहुल गांधी जैसे बड़े नेता सीनियर लीडर जो अब लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी है राहुल गांधी कांग्रेस जैसी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सीनियर सर्वोच्च नेता है वो अगर विदेशी मंच पर अपने ही देश के खिलाफ अपने देश की कमियां गिनाते हैं कि भारत में तो एक राज्य की दूसरे राज्य से बैटल शब्द का इस्तेमाल किया जंग लड़ाई चल रही है एक राज्य को दूसरे राज्य से नीचा दिखाया जा रहा है भाषा धर्म के आधार पर भेद होता है यही लड़ाई भारत में चल रही है भारत में तो एक दूसरे की परंपराओं मान्यताओं इतिहास के खिलाफ युद्ध छिड़ा हुआ है तो सोचिए विश्व स्तर पर भारत की छवि को लेकर क्या मैसेज जाएगा वो मतलब वो भारत की कमियां गिनाते हैं भारत की बुराई के अलावा उसी मंच से मतलब वहीं यूएस की बात कर रहे हैं हम मतलब वही नेता चीन की तारीफ करते हैं कहा जा रहा है कि भारत में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत इतनी खराब हो चुकी है इतनी खराब क्योंकि वहां चुनिंदा लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं इसी वजह से भारत में रोजगार की स्थिति बहुत खराब है और भारत के मुकाबले चीन की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि वहां तो रोजगार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आज आपको दिखाऊंगा वैसे आकर क्योंकि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया है मतलब आप इस चीज को एक बार कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी जी दुनिया की कंपनियों को भारत आने का मैसेज दे रहे हैं दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने का मैसेज दे रहे हैं या चीन जाने का भारत में नफरत है बुरा हाल है राज्य आपस में लड़ रहे हैं चीन ने मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीजें वहां बेरोजगारी का इशू नहीं है तो दुनिया वैश्विक मंच पर राहुल गांधी दुनिया की बड़ी बड़ी विदेशी एमएनसीज को भारत आने का न्योता दे रहे हैं या चीन जाने का विदेशी धरती से राहुल भारत की तरफदारी कर रहे हैं या चीन की आप फैसला करिए राहुल का बयान तब है जब आप जानते हैं अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री कहां थे सिंगापुर में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता देकर आए तब 3 दिन पहले मोदी दुनिया से क्या कह रहे थे कि साहब भारत में आइए भारत में राजनीतिक स्थिरता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है सिंगापुर की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश करना चाहिए ये होता ना भारत का एम्बेसडर अब राहुल जी क्या कह रहे हैं कि भारत की राजनीति में नफरत का माहौल है राज्य आपस में लड़ रहे हैं भारत ने तो भाषा के आधार पर युद्ध छिड़ा हुआ बैटल आपको सोचना चाहिए राहुल विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं या उन्हें हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं देखिए फिर बीजेपी को ये आरोप लगाने का मौका क्यों नहीं मिलेगा कि राहुल गांधी मोदी से दुश्मनी के चक्कर में देश को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इससे तो देश का नुकसान है ना ये आरोप क्यों नहीं लगेंगे कि राजनीतिक दुश्मनी के लिए राहुल गांधी देश की तरक्की के रास्ते में अड़ंगा लगा रहे हैं अमेरिका में राहुल गांधी के इसी बयान के बाद भारत में सियासी घमासान अमेरिका में बयान भारत में बवाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि भारत की तारीफ करने की बजाय राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं इससे उनकी भारत विरोधी मानसिकता का पता चलता है बीजेपी ने कहा कि चीन के पक्ष में बैटिंग करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी के बड़े नेताओं ने हर जाके भारत को गाली देना ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना दुश्मन देश की तारीफ करना ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं इन पर तो ऐसे लोगों को अगर कानून भारत में नहीं होता अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे भारत राहुल गांधी जी बहुत तरीका से साइना को हमेशा प्रमोट करता है ठीक है तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और साइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लेकिन साइना में डेमोक्रेसी नहीं है साइना में लोगों का रिलीज न्यूज 18 इंडिया चौपाल एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर सरकार समाज सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर